नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। उत्तर प्रदेश के एटा में दर्दनाक हादसा, कोहरे के चलते स्कूली बच्चों से भरी बस और ट्रक के बीच टक्कर। हादसे में 25 बच्चों की मौत की खबर, 24 से ज्यादा जख्मी। अलीगंज के जेएस पब्लिक स्कूल की थी बस। मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई करेगी जांच, सोशल मीडिया कैंपेन टॉक टू एके में अनियमितता का मामला। सत्येंद्र जैन की बेटी की नियुक्ति की भी जांच की जाएगी। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, मारा गया लश्कर का टॉप कमांडर अबू मूसा। इलाके में अभी भी कई आतंकियों के छिपे होने की खबर। बिहार के मोतिहारी में बेखौफ अपराधियों का कहर, चार कारोबारियों पर AK-47 से हमला, फायरिंग में दो की मौत, दो की हालत नाजुक। व्हाइट हाउस में विदाई से पहले बराक ओबामा ने किया पीएम मोदी को फोन, दोनों देशों के रिश्ते मजबूत करने के लिए किया शुक्रिया, गणतंत्र दिवस की भी दी शुभकामनाएं। और कटक में आज होगा भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा वनडे मैच, मुकाबला जीतकर सीरीज पर कब्जे के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें, देखते रहिए डीपी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।